हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। अज मैं आया है गुरुद्वारा साहब हरियां बेलां हुशियारपुर चंडीगढ़ रोड पर स्थित है, तो अज मैं तुहानूं इहदे दर्शन करवाउणा वा। यह है सरोवर, सरोवर जो कि गुरुद्वारा साहब तो 100 किलोमीटर पिछे रह जाता है, जिस मोती सरोवर नाम के नाम नाल जाने जाता है। इतने श्री गुरु हर राय साहिब जी जो कीरतपुर साहब तो आते हुए इतने रुके से 3 दिन के लिए, तो पानी नहीं सी इतने जल लिए उन्होंने अपने तीर के नाल इतों जमीन के अंदरों जल कढ़िया सी। उन्होंने वचन किए कि जो भी इंसान इतने श्रद्धा भावना ने इनान करेगा तो वो सारे दुख दर्द जोड़े आ खत्म हो जाएंगे। तो इतने दूरों दूरों लोग जोड़े आ मस्या पुनिया संगरांद इनान करने आते हैं। तो हुण मैं गुरुद्वारा साहब कंपलैक्स के अंदर आ गया वा। ये गुरुद्वारा साहब के अंदर की जो तस्वीर है तुसीं देख रहे हो, अंदर आते ही सच्चे पासे जोड़ा घर है जिथे कि असीं अपने जोड़े रख के अगे वध सकते हैं। जदों गुरु साहब इत्थे पहुँचे सन तां इत्थे बाबा प्रजापति जी रहिंदे सी, जिथे हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है बाबा प्रजापति जी का घर हुंदा सी। ते बाबा प्रजापति जी गुरु साहिब जी के घोड़े नूं बेला पुट के पाइयां, ते घोड़ा बहुत खुश सी। जदों गुरु साहिब जी ने उन्हां नूं पुछया कि तुसीं की पाया घोड़े नूं, तां उन्हां ने कहा कि मैं बेला पुट के पाइयां इत्थों। ते उन्हां ने वचन किया कि जिहड़ियां बेलां ने हमेशा हरियां भरियां रहणगियां तुहाडियां, ते उह बेलां जिहड़ियां ने अज भी हरियां भरियां ने। तो इसलिए इस गुरुद्वारा साहब का नाम भी हरियां बेला पिया हुआ। तो ये वो बेला ने जो कि तुसी देख रहे हो, तो ये हमेशा जिहड़ियां बेला हरिया ही रहिंदियां ने। यह वो स्थान है जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ है। तो इस स्थान की जो देख रेख है हूँ एक निहंग सिंह जथेबंदी द्वारा की जाती है, तरना दल द्वारा, जिसके जथेदार जी जिंदा शहीद बाबा निहाल सिंह जी हैं। हुण मैं लंगर हाल विच पहुँच गया। ये लंगर हाल है जिथे हर टाइम जो लंगर है तुहानू मिलेगा। आई होप तुहानू ये वीडियो चंगी लगी होवे। वीडियो चंगी लगी है लाइक शेयर करो, चैनल नू सबसक्राइब करो। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।